भी के अवसर पर हमारी टीम लोगों की आस्था से जुड़े एक ऐतिहासिक मंदिर पर पहुंची है, जो जालौन नगर क्षेत्र में स्थित यह एकमात्र ऐसा भगवान गणेश जी का मंदिर है जो करीब 250 वर्ष पुराना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक, मैं हूं आपका अपना देवेश। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। भगवान श्री गणेश आज जन्मदिन, गणेश चतुर्थी, देवादिदेव महादेव और गौरी पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश का आज जन्मदिन। आज का दिन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि भगवान श्री गणेश को पृथ्वी का सबसे पहला देवता माना गया है, और वो इसलिए क्योंकि वो बुद्धि और विवेक के दाता है। साथ ही उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि सारे बिगड़े हुए काम को बनाने वाली हैं। आज गणेश चतुर्थी के इस महापर्व पर हम मौजूद हैं जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र के गणेश मंदिर में। गणेश मंदिर जनपद जालौन का एक इकलौता ऐसा गणेश मंदिर जहाँ पर पूरा गणेश भगवान का परिवार मौजूद है, माँ, पिता, भाई, पत्नी, सब कुछ मौजूद है यहाँ इस गणेश मंदिर में। और इस गणेश मंदिर के बारे में बताया यह भी गया है कि लगभग 250 से 300 साल पुराना मंदिर है, नगर क्षेत्र का इकलौता मंदिर है। गणेश अपने आप में आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक ये गणेश मंदिर। यहाँ पर एक पुजारी जी भी हैं, पाराशर जी, उनसे बात करेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या है इनकी विशेषता, बात करेंगे उनसे। जैसा कि आपको भी बताया है जी, ये जो गणेश जी का मंदिर है हमारा जी, ये 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर जी है। और इसी मंदिर के नाम से ये मोहल्ला बसा हुआ है, तो गणेश जी का मोहल्ला है जी। और आपको जैसे बताया कि यहाँ पे माता पार्वती और रिद्धि सिद्धि और शिव शंकर भगवान पूरे परिवार के साथ गणेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ की मान्यता है कि बुधवार के दिन जो भी यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन करता है प्रतिदिन, तो उनकी सारी मनोकामना भगवान पूर्ण करता है। अच्छा, इस मंदिर के बारे में ये भी बताया गया है कि ये इकलौता नगर क्षेत्र का मंदिर है जहाँ पर ये पूरा परिवार एक साथ विराजमान। बिल्कुल बिल्कुल, इस नगर में इकलौता ऐसा ही गणेश जी का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी का पूरा परिवार विराजमान है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी है, पूरा परिवार है, ऐसा मंदिर दूसरा इस नगर में नहीं है, दूसरा से और नगर का सबसे विशाल और प्राचीन मंदिरों में गिना जाता। अच्छा, अब आज गणेश चतुर्थी है तो आज का महत्व क्या है? आज के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था जी, आज के दिन ही भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। और भगवान गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसी ये बात आज के दिन को और विशेष बना देती है जी। आज से ही गणेश जी लोगों के घरों में आकर विराजमान हो जाएंगे। कोई एक तीन दिन के लिए गणेश जी को अपने घर रखता है, पूजा पाठ करता है, और एकादशी तक भगवान का विसर्जन भी चलता रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आज गणेश जी विराजमान हुए हैं और एकादशी को गणेश जी यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जल विहार होगा उनका और विसर्जन किया जाएगा एकादशी। तो ये थे पुजारी जी जिन्होंने हमें इस विस्तार से इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया और ये भी बताया कि आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया। हालांकि कोरोना का संक्रमण के चलते पहले आयोजन जो है सार्वजनिक होते थे, नगर के विभिन्न स्थानों पर ये मूर्तियाँ रखी जाती थी, बाकायदा पूजन होता था, आरती होती थी, अर्चन होता था, वंदन होता था, सब कुछ होता था। लेकिन कोरोना काल में जो प्रोटोकॉल सरकार द्वारा दिया गया, उस प्रोटोकॉल के तहत अब सार्वजनिक स्थल पर जो है मूर्तियाँ रखने की मनाही है। इसलिए ये प्राचीन जो गणेश मंदिर है, लगभग 250-300 साल पुराना जो गणेश मंदिर है, यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर पूजा अर्चना जारी है। और ये अब करीब ये एक हफ्ते तक यहाँ रहेंगे और उसके बाद फिर ये यहाँ से इनका विधिवत विसर्जन होगा। और निश्चित तौर पर अपने आप में आस्था और श्रद्धा का विश्वास लोगों में बना रहे, इसके लिए यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी जो है अपनी वित्ती है वो यहाँ रखते हैं। जैसे पुजारी जी ने भी बताया कि बुधवार के दिन इनका दर्शन बेहद दुर्लभ और शुभ होता है। यहाँ मनोकामना मांगते हैं वो बुधवार के दिन मांगी गई मनोकामना निश्चित तौर पर अब तक यहाँ पूरी हुई है। और एक बात और बताई गई है कि इस जो गणेश मंदिर है, इसी मंदिर के नाम पर इस पूरे मोहल्ले का नाम रखा गया है, मोहल्ला गणेशी। अपने आप में नगर क्षेत्र में 26 मोहल्ले हैं जालौन नगर में, और 26 में से एक मोहल्ला गणेशी अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है।
इसके बाद हमारी टीम पहुंची जालौन जिले के कालपी नगर, जहां भगवान वेद व्यास की जन्मस्थली पर एक अद्भुत और प्राकृतिक गणेश के दर्शन हमने किए। वेद व्यास के प्राचीन मंदिर के पास एक नीम का पेड़ था, जिसके तने का आकार बिल्कुल हाथी के मुख जैसा था। स्थानीय लोगों की इस मंदिर पर बहुत ही आस्था है और लोग यहाँ पूजन अर्चन को हमेशा आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी, और कालपी में ये सिद्ध स्थान है महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली। चार वेद, 6, 7 और 18 पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का मंदिर, सिद्ध मूर्ति, उनके पीछे ठीक यह एक नीम का पेड़ है। और इस पे आप देखिए देवादि में महादेव के पुत्र भगवान श्री गजानन की आकृति, कहीं ना कहीं अपने आप में एक दिव्य मूर्ति। एक दंताय वेद महे वक्र कुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, भगवान श्री गणेश जी का मंत्र और उनके सामने ये नीम के पेड़ में उभरी हुई आकृति। क्या आप देखते हैं साफ तौर पर, ये उनका मुख है, ये सूंड है, ये दंत है, ये आंख है और ये इनका कान। तो ये आकृति अपने आप में एक विचित्र और अद्भुत, ये देखिए बिल्कुल उनका एक अपने आप प्राकृतिक उकेरी हुई आकृति। ये अद्भुत अलौकिक, अद्भुत अलौकिक सत्य, बुंदेलखंड अद्भुत बुंदेलखंड का एक अलौकिक और अविश्वसनीय सत्य। PK University, build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी, गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।